कल उद्योगों के वर्गीकरण पे बात करी थी कि उद्योग कितने टाइप के हो सकते हैं कच्चे माल के आधार पर और खनिज आधारित उद्योग भी हो सकते हैं जिनको हम कच्चे माल के स्रोत के आधार पर बोलते हैं दूसरा भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग आधारभूत उद्योग उनको बोलेंगे जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर है जैसे लोहा इस्पात तांबा प्रगलन एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग आधारभूत उद्योग मतलब जाहिर सी बात है नाम से इसे दौर आधारभूत किसी का स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं वो किसी का बेस तैयार कर रहे हैं तो लोहा इस्पात तांबा लोहा आप देखो लोहा पे जो है पूरा के पूरा हमारा जो रियल इस्टेट बोलते हैं एक शब्द है रियल इस्टेट मेरे ख्याल से आप परिचित होंगे कुछ बच्चे नए भी होंगे रियल इस्टेट मतलब कि घर वगैरह जमीन वगैरह से लेन देन होना घर वगैरह का लेन देन होना उसको हम रियल इस्टेट बोलते हैं जमीन संबंधी लेन देन जिसको बोलते हैं तो लोहा इस्पात उस पर वाला रियल इस्टेट बहुत बड़ा बिजनेस है घर खरीदना बेचना बिल्डिंग मल्टीप्लेक्स में दुकानें वगैरह सब उसी में आता है और करोड़ों रुपए की दुकानें बिकती है मॉल्स में लोहा इस्पात तांबा प्रगलन और एल्यूमिनियम प्रगलन तांबा प्रगलन पे भी दूसरे बर्तन बनाना वगैरह वगैरह जो है वो तांबे प्रगलन पर डिपेंड करता है और ये आधारभूत उद्योग कहलाएंगे क्योंकि इस पर जो है दूसरे उद्योग निर्भर कर रहे हैं और दूसरा उपभोक्त उपभोक्ता उद्योग जो उत्पादन उपभोक्ताओं को सीधे उपयोग हेतु करते हैं जैसे चीनी दंतमंजन तो ये डायरेक्ट बन रही है और डायरेक्ट उपभोक्ता तक जा रही है इसका किसी दूसरे उद्योग में उपयोग नहीं हो रहा है डायरेक्ट उपभोक्ता हो रहा है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भूमिका के आधार पर लेकिन फिर भी आधारभूत उद्योग 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 किसे कहते हैं हैं दो नंबर में पूछा जा सकता है आपको पता होना चाहिए आधारभूत ऐसे उद्ध्योग होते हैं, जिस पर कोई दूसरे बिजनेस या उद्योग जो है वो निर्भर करते हैं उदाहरण के लिए इस्पात उद्योग या लोहा उद्योग एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग और जो हमारा तांबा प्रगलन उद्योग होता है वो है ना उसके बाद आता है पूंजी निवेश के आधार पर ज्यादा कोई पूंजी निवेश के आधार पर एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति के एक के की इतना इंपोर्टेंट नहीं है स्वामित्व के आधार पर यह जरूरी है मैंने कल भी बोला था जरूरी है ये सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित संचा सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक क्षेत्र में लगे हुए मतलब पब्लिक जो है वो डोमेन में लगे हुए हैं मतलब पब्लिक की मदद करने के लिए लगे हुए हैं उदाहरण के लिए भेल बहुत सारे बच्चों ने नाम सुना होगा बी का हमारे भोपाल में है भेल और भोपाल की एक तरह से सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है uh, क्यों एक मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो है वो भील की बराबरी कर रही हैं लेकिन वाकई में भूल्स भील सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपनी है भारत भोपाल की भोपाल की है ना तो भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बहुत बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिक की चीजें बनाता है इनके यहाँ से कोई चीज़ छोटी होती नहीं है सब चीज़ें बड़ी बड़ी होती हैं ट्रेन के पार्ट्स अगर इंजन वगैरह के पार्ट्स बन रहे हैं कोई इलेक्ट्रिक का पार्ट है बहुत बड़ा है तो सब चीज़ें यहीं बनती है ट्रांसफार्मर वगैरह जनरेटर वगैरह सब जो है वो भेल में निर्माण होता है जनरेटर जो कि बड़े बड़े डैम में लगते हैं जहाँ बिजली बन रही होती है तो आप कॉपर वाइंडिंग अपने आपने देखा ना कॉपर वाइंडिंग का अपना वायर कितना पतला सा होता है जो बड़े बड़े जनरेटर होते हैं उसमें तो वायर जो इतने चौड़े चौड़े वायर होते हैं इतने मोटे मोटे वायर रहते हैं और वो जो है वो जनरेटर पावर क्योंकि तो वहां पर बहुत ज्यादा पावर चाहिए बहुत बड़े बड़े जनरेटर चाहिए तो कॉपर का तार भी जो है उनका इतना चौड़ा होता है लगभग एक डेढ़ इंची का तार ही होता है एक तार और उस तार की कुंडली बनाते हैं बाकायदा बहुत बड़ी सी तो एच में बहुत बड़े बड़े जो है ट्रांसफॉर्मर बनते हैं दूसरा सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल जो है हमारा स्टील का निर्माण करती है आप एक, एक, एक ये भी बोल सकते हो इस्पात जिसको हिंदी में बोलते हैं ना तो जो लोहा का पूरा बेचना वगैरह खरीदना वगैरह काम होता है वो सेल जैसी कंपनियां करती हैं एक्चुअली में इंडिया में आ, सेल जो है वो स्टील का निर्माण भी करती है बेचती भी और निगरानी भी रखती है स्टील के प्राइस वगैरह पर तो ये दोनों ही ऐसे उद्योग मतलब स्वामित्व के आधार पर जो सरकारी उद्योग है ना अगर मैं सिंपल शब्दों में रखूं तो ऐसे उद्योग जो तो सरकारी उद्योग है सरकार के अधीन आते हैं पूरा कंट्रोल किसका होता है सरकार का सरकार चाहे तो बंद कर दे सरकार चाहे तो आधा बेच दे सरकार चाहे तो तो आप जो ऐसी कंपनियां होती है भेल और सेल जो है पूरी तरह से जो है सरकारी कंपनियां है उसके बाद जो है कपड़ा मिल सरकारी है क्या आपके एरिया में कपड़ा मिल है हाँ है? ये है ना आ, आपने कभी उसके बोर्ड पे पढ़ा वो आ, आ, उसके बोर्ड पर क्या लिखा है केवल कपड़ा में लिखा रहता है क्या देखो मैं तुमको वेबसाइट पे दिखाता हूँ कई बार हम लोग मालूम अपने एरिया के जो है उस पर ध्यान नहीं देते हैं उसका अगर बोर्ड की किसी ने फोटो डाली होगी ना भोपाल टेक्सटाइल मिल्स न्यू भोपाल टेक्सटाइल्स मिल पुराना वाला बंद होगा पुराना वाला सरकारी था जो न्यू टेक्सटाइल मिल हुआ ना भोपाल तो वो उसमें जो है वो कुछ परसेंट प्राइवेट बेच दिया गया था पहले सरकार ने धीरे धीरे जो है वो गेम खेला है कपड़ा मिल में किसी ने फोटो नहीं डाली कपड़ा मिल की बताओ कितनी बुरी बात है हमारे एरिए में होते हुए भी हमने फोटो नहीं डाली कहाँ कहाँ की फोटो डाली हुई है पता नहीं डली तो है यार लेकिन इसका पुराना वाला बोर्ड हटा दिया गया है पुराने वाले बोर्ड में सही दिखता था ये देखो अभी ये वाला बोर्ड लगा हुआ है इस पर ये वाला पुराना बोर्ड ज्यादा अच्छा दिखता था न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स केवल ये तो इसमें लिखा हुआ है एन टीसी वो बताना ये चाह रहा था क्योंकि उसमें कुछ परसेंट हिस्सा सरकार ने बेच दी थी बाद में जो बना

यहाँ पर लिखा हुआ है टिस्को बजाज ऑटो लिमिटेड डावर कंपनियां जो डावर जानते हो डावर चरमता सभी ने खाया है डावर के बहुत सारे प्रोडक्ट है झंडू पाम भी डावर की आती है हिमालय की भी आती है अलग अलग कंपनी है ना बजाज ऑटो लिमिटेड बजाज की गाड़ियाँ बजाज स्कूटर भी सुना होगा ऑटो भी सुने होंगे ट्रैक्टर तो सुने होंगे होंगे बजाज बजाज जो है और ऐसे महिंद्रा भी महिंद्रा भी कैसी कंपनी है प्राइवेट कंपनी है उसके बाद आता है संयुक्त उद्योग वैसे, वैसे उद्योग जो राज्य और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रकार से चलाए जाते हैं जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड नाम से सिद्ध हो रहा है ऑयल का लेन देन करती है और ऐसी कंपनियां जिसमें सरकार भी साथ देती है और प्राइवेट कंपनी दोनों मिश्रित उद्योग उद्ध होते हैं तो उनको हम संयुक्त उद्योग बोलते हैं उसके बाद आते हैं सहकारी उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादक को दोनों के हाथ में होता है संसाधन का कोष संयुक्त होता तथा तो लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है महाराष्ट्र के चीनी उद्योग केरल के, के नारियल पर आधारित उद्योग तो ये सहकारी उद्योग है अ, सहकारी उद्योग उनको बोलते है जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादक श्रमिको या दोनों के हाथ में होता है जो कच्चा माल बना रहा है उस पर और जो श्रमिक है उस पर या तो एक किसी पर या श्रमिक का होगा या उत्पादक का होगा या दोनों का भी हो सकता है संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा तो लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है तो जो भी प्रॉफिट होता है उसको बांट लेते हैं दोनों आपस में श्रमिक और जो कच्चा माल देने वाला है वो उसको हम सहकारी उद्योग बोलते हैं एक तरह से इसमें जो है वो दोनों ही प्राइवेट बंदे जो है आपस में काम कर रहे हैं उसको सहकारी उद्योग बोलेंगे जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग और केरल के नारियल पर आधारित उद्योग तो जो भी बेचता है उसके और जो बनाता है उसके आपस में बीच में बांट लिया जाता है उसके बाद कच्चे तथा तैयार माल के माल आधार पर उद्योग जो है वो भारी उद्योग जैसे लोहा इस्पात उद्योग खर। तो सबसे पहला काम आप यही करिएगा अगर आ, है तो आपके पास अगर आ, बुक में देख लीजिएगा परीक्षा अध्ययन में अगर है तो अगर बुक में कोई क्वेश्चन आता है तो जैसे सबसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं इस चैप्टर से बताइए कच्चे माल के आधार पर स्रोत जो उद्योग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं तो ये सारे लिखने की जरूरत नहीं है इंपॉर्टेंट जो है वो याद रख लीजिएगा कच्चे माल के आधार पर आपको पता होना चाहिए कितने प्रकार के उद्योग होते हैं दूसरा जो है आधारभूत भूमिका के आधार पर उद्योग पता होना चाहिए स्वामित्व के आधार पर उद्योग पता होना चाहिए कितने प्रकार के होते हैं और कच्चे माल की मात्रा और भार के आधार पर जो ये नहीं है इम्पोर्टेंट नहीं बस ये तीन ही इंपॉर्टेंट है कच्चे माल के स्रोत के आधार पर प्रमुख भूमिका के आधार पर स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं ये तीनों उद्योग पता होना चाहिए आपको उसके बाद आता है कृषि आधारित तो उद्योग उद्योग तो सूती उद्योग अब एक बात याद रखिएगा जब आप ऐसी मेहनत करते हो ना चैप्टर की बीच बीच में से मेहनत करते हो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि और हर साल ही होता है वो बहुत बार ऐसा होगा कि इतना कुछ पढ़ाया था आया तो नहीं उसमें जो जो मतलब इतना इजी पेपर आया तैयारी हमें Uh, एक सेंटेंस है इंग्लिश का वो uh, यूज करते हैं ये इस इस बात को प्रूव करने के लिए होप फॉर द बेस्ट होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर दोस्ट ये एक अंग्रेजी कहावत है जो कि इस आपके इस डाउट पर लागू होती है होप फॉर द बेस्ट बट प्रपेयर फॉर द वोस्ट स्क्रीन दिखाई दे रही होगी मेरे ख्याल से होप फॉर द बेस्ट बट प्रपेयर फॉर द वोस्ट आप उम्मीद कर सकते हो बहुत अच्छे की लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए किसी बुरे के लिए तो ये ये बात जो है वो आपको लागू हो रही है इस बात पे भी आप उम्मीद कर सकते हो कि पेपर सरल आएगा लेकिन आपको तैयार रहना पड़ेगा ये कठिन क्वेश्चन के लिए है ना तो ये जो तैयारी होती है वो उसी के लिए होती है और इसमें आप ये बिल्कुल भी शक मत करो कि अगर पेपर में आएगा या नहीं आएगा मुझे मालूम है पेपर बहुत हर मायने में इजी बनता है लेकिन हमको तैयारी तो करना पड़ेगी ना बिना हम ये सोच के बैठ जाए कि नहीं आएगा पेपर में जो अभ्यास में दिए हुए वही आ जाएंगे तो फिर ऐसा नहीं है कृषि आधारित तो उद्योग सूती वस्त्र पटसम रेन अच्छा ये कृषि आधारित तो उद्योग क्या होते हैं ऐसे उद्योग जो पूरी तरह से कृषि पर आधारित है जैसे सूती वस्त्र कपास की खेती नहीं होगी तो सूती वस्त्र बनेगा कैसे जो बोरे होते हैं बोरे बनाए जाते हैं जूट से जूट से केवल बोरे नहीं बनते रस्सियां भी बनती हैं कई डेकोरेटिव पीस भी बनते हैं सा, न, सामान भी बनते हैं रेशम उद्योग रेशम से जो रेशम जो है वो कीड़े से बनता है आप लोग को वीडियो भी दिखाया होगा मैंने अः अगर हम आ, वो कीड़े की खेती नहीं करेंगे खेती बोल सकते हैं मछली पालन भी एक प्रकार की खेती है पशुपालन एक प्रकार का खेती का हिस्सा है पशुपालन के अंतर्गत आता है कृषि के कृषि के अंतर्गत ही आता है तो रेशमी साड़ी बनी कैसे उन्हीं वस्त्र जो है वो भी जान उससे ही जानवरों के पालने से चीनी तथा वनस्पति ये सभी कृषि आधारित तो उद्योग है है ना उसी के अंदर दिया हुआ तो है वस्त्र उद्योग तो भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग आपने इतिहास में बहुत अच्छे से पढ़ा है भारत का जो कपास था और वो भी बारीक कपास था उसकी डिलीवरी जो है वो ब्रिटेन तक जाती थी बहुत फेमस था वो और बहुत ज़्यादा कीमती भी होता था तो वस्त्र उद्योग जो है वो महत्वपूर्ण है बिल्कुल स्टार्टिंग में जो है इसने नई इतिहास में जो है अपने व्यापार की दृष्टि से हमारा वस्त्र जो कपड़ा था कपास था वो बहुत अच्छा था और दुनिया भर में उसकी पैठ थी है ना उसी के अंतर्गत जो है सूती वस्त्र उद्योग आता है प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई तथा हथकरघा बुनाई द्वारा बनाए जाते थे अठारहवीं शताब्दी के विद्युत का उपयोग होने लगा औपनिवेशक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योग को बहुत हानि हुई क्योंकि हमारे उद्योग के उद्योग इंग्लैंड की मशीन निर्मित स्पर्धा नहीं कर पाए Hello उद्योग क्योंकि हमारे इंग्लैंड मतलब वही बात जब हथकर पहले स्टार्टिंग में हथकर जैसे हमारे यहाँ बुनकर अभी भी हैं उनकी हालत बहुत खराब है लेकिन अभी भी हाथ से बुनाई चलती है वाराणसी इलाहाबाद वगैरह में अभी भी बुनकर मौजूद है वो वाकई हाथ से कर उनकी हालत बहुत खराब है अभी लेकिन वाकई में वो अभी भी बना रहे हैं और बहुत सुंदर बहुत मेहनत से बनती है हाथ से बुनाई बहुत बहुत टाइम लगता है एक एक शौ, अगर शॉल भी है ना कश्मीर में शॉल बनते हैं वो हाथ से वो बुनाई में दो तीन महीने लग जाते हैं एक शॉल को बनाने में और मशीन से वो फटाफट एक दिन में तीस चालीस बना देते हैं है ना तो हाथ से बहुत टाइम लगता था मशीन आने के बाद उनकी हालत खराब हुई है यहाँ पर वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पाद जो है वो लिखा हुआ है वस्त्र उद्योग में अतिरिक्त मूल्य उत्पाद मतलब ये नॉर्मल प्रोसेस है इस प्रोसेस में बीच में कुछ और भी प्राप्त हो जाता है उत्पाद के रूप में तो वो प्रॉफिट के रूप में काम हो सकता है रेशा उत्पादन सबसे पहले रेशा बनाया जाता है उसकी धुनाई और कटाई की जाती है धुनाई करना मतलब कचरा निकालना और उसको कताई करना मतलब धागे के रूप में उसको आ, रेशे के रूप में बनना फिर उसके बाद कताई कताई मतलब धागे बनाना सीधी सी बात है और कताई 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 नहीं है कताई है कताई से, सही है सही वर्ड बिल्कुल मतलब धागा बनाना रेशे से और फिर उसके बाद उसकी बुनाई की जाती है बुनाई करने के बाद कपड़ा तैयार हो जाता है उसकी रंगाई और परिष्करण करते हैं और उससे वस्त्र का निर्माण किया जाता है टेलरिंग की जाती है आपको पता है अब इस बीच में कच्चा रेशा निकलता है जो कि कई जगह पर काम आ सकता है सूत निकलता है मतलब धागा निकलता है कई जगह पर काम आ जाता है सिलाई के लिए जैसे कपड़ा निकलता है कई

मुंबई से थाड़े के बीच हाँ ये तो बिल्कुल परफेक्ट है ईयर कौन सा था अठारह सो त्रेपन था चौवन में सूती वस्त्र का कारखाना लगा और त्रेपन में पहली ट्रेन चली थी मुंबई से थाने के बीच बिल्कुल सही है यूरोप दो विश्व युद्ध से जूझ रहा था तो भारत इंग्लैंड के अधीन था ऐसे में इंग्लैंड के में कपड़े की मांग आपूर्ति तो भारतीय सूती वस्त्रों को प्रोत्साहन मिला तो ये चीज हम हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं यूरोप में जो है वो कपड़े की डिमांड जो है भारत से बहुत हद तक पूरी होती थी हमारे से कपास तो बहुत भयंकर ही गया है आ, सूती उद्योग के बारे में लिखा हुआ है पढ़ लीजिएगा अच्छा रहेगा आपको मतलब थोड़ी सी जानकारी मिलेगी मैं थोड़ा सा सेंट्रिक हो रहा हूँ क्वेश्चन पे महात्मा गांधी ने सूत काटने तथा खाते बुनने पर क्यों बल दिया क्योंकि -क्यों उस टाइम मालूम था उनको आपको मान इसका आंसर पता है महात्मा गांधी ने आपको इसका आंसर पता है कि महात्मा गांधी ने सूत काटने और आपको बहुत बार आपने देखा होगा महात्मा गांधी की तस्वीर एक चरखा चलाते हुए सूत काट वो चरखा जो है वो सूत काटने के लिए था सूत काटते थे उससे सूत मतलब धागा बनाते थे रुई से क्यों उन्होंने उस पे फोकस किया था क्योंकि वो जानते थे उस टाइम कि भारत की हाँ बताओ थोड़ा सा हाँ क्यों क्यों काटने पे उन्होंने सूत के पे सूद काटने पे क्यों फोकस किया था उसका रीजन था महात्मा गांधी थोड़ा सा वो नजरिया जानते थे अंग्रेजों से आने के पहले भारत के बंदरगाहों से भयंकर कपास जो है कपड़ा या कपास जो है वो यहाँ से भेजा जाता था कपड़े कपड़े भेजा जाता था बुन, बुनकर काम करके यहाँ से भेजा जाता था लेकिन जब से इंडस्ट्रियालाइजेशन हुआ इंग्लैंड में बुनकरों ने जो है वो मशीनें मशीनें वगैरह आ गई स्पिनिंग जैनी जैसी तो वहां पर कपास कपड़ा जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बनाया जाने लगा और अंग्रेजों ने क्या करा भारत से कपड़ा खरीदने के लिए कपास खरीदना शुरू कर दिया केवल कपास हम भेजते थे वहां पर वो कपास से कपड़ा बेचकर हमें बेचते थे तो हमारे यहाँ जो कपड़ा आ रहा था ना वो कपड़ा ज्यादातर हम हमारे किसानों को केवल पैसा मतलब ये दिख रहा था भाई कपास बेचो बेचो फायदा हो रहा है कपास बेचने में तो वही वही बेच रहे थे ये नहीं सोच रहे थे कि वो कपास जा रहा है और कपड़ा बन के हम बेचा जा रहा है महात्मा गांधी को जब ये चीज रियलाइज हुई तो उन्होंने बोला भाई साहब ये कपास वहां मत भेजो कपास से सूत काटो कपड़ा बनाओ और फिर बेचो और केवल इंग्लैंड तो ही ना यूरोप तो ही ना और भी देश हैं वहां भेजो क्योंकि अंग्रेजों ने जो है वो आपके ऊपर आपको जो है वो इसीलिए महात्मा गांधी ने मुहिम चलाई थी कि जगह जगह चरखे चल रहे थे क्यों क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि कपास से सूत काटो कपड़ा बुनो और फिर बेचो यहाँ से कपास मत जाने दो अंग्रेजों को फायदा हो रहा है तो महात्मा गांधी वो चीज जानते थे इसीलिए उन्होंने जो है सूत काटने और खादी बुनने पर फोकस दिया था कि देश से माल बिक कर जाए माल बिक कर जाएगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा आप खुद सोचो जो कपास चालीस पचास रुपए किलो में बिक के वहां पर जाके सूद बनकर एक मीटर कपड़ा जो है वो साठ रुपए में बिक रहा है तो हम वो कपड़ा क्यों ना बेचे हम कपास क्यों बेच दे रहे हैं है ना महात्मा गांधी ने इसलिए जो है वो चरखा चलाते चरखा चलाने की मुहिम वगैरह चलाई थी वो जानते थे इस चीज को बाकी हमारा जो किसान था वो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था उसको पैसे से मतलब था कपास बेचो पैसा कमाओ है ना तो इसलिए उन्होंने भारत में जो है वो चरखा चलाने की मुहिम जैसी छेड़ी थी हमारे देश में विद्युत चालित कर्गो का कर्गों द्वारा निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लूमेज को कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है आ, हमारे देश में विद्युत चालित कर्घों तथा हथ कर्गो द्वारा निर्मित लूमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लूमेज को कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है लूमेज होता क्या है वैसे तो मेरे को तो ये पहली बार देख रहा हूं मैं लूमेज शब्द

भारत जापान को सूत का निर्यात करता है लूमेज आ, आ, देखो इसका लूमेज का मैं नहीं बता लेकिन इस, इस क्वेश्चन का जो वो निकल कर आ रहा है वो मतलब ये है कि कारखानों से जो कपड़ा तैयार होता है ना वो मशीनों के द्वारा तैयार होता है और आ, उसमें जो लोग लगते हैं वो कम लगते हैं जबकि जो हाथ से बन रहे होते हैं वहां पर एक बंदा तीन तीन महीने तक मेहनत करता तब एक साड़ी बुन पाता है तो वहां पर ज्यादा लोगों को फायदा होता है इसलिए हथकरघो और विद्युत चालित करघो करघे से जब बनाता है ना बंदा तो एक साड़ी पर एक का अधिकार होता है और बहुत सारे लोग बना रहे होते हैं बहुत सारी साड़ी कारखाने में एक व्यक्ति के हाथ में होता है मशीनों के द्वारा बन रही होती है तो ज्यादा वो बन पाती है और लोगों जो, जो जो फायदा होता है ना वो एक बंदे तक पहुंचता है इसलिए ये पॉइंट लिखा हुआ है हमको विद्युत चाली कर्गो और हथ कर्ग द्वारा निर्मित लोमेज को खरीदना चाहिए कारखानों में बने हुए नहीं है ना भारत जापान को सूत का निर्यात करता है भारत में बने सूती उद्योग अन्य आयातक देश है अमेरिका है ठीक है धागा पचासी रुपए किलोग्राम की दर से बेचा जाता है अगर यह है पत्तून के रूप में बेचा है उसका आठ सौ रुपए प्रति किलोग्राम है ये यही चीज अभी मैंने आपको बताई कपास के रूप में धागा पचासी रुपये बेचते हैं और वो आठ सौ रुपए में जाता है तो हम क्यों इसका आंसर यही है गांधी जी ने इसीलिए जो है वो बोला कि भाई कपास मत बेचो यहाँ से यूरोप में कपास मत जाने तो आप सूत काटो कपड़ा बनाओ बुनो उसको बुन खादी बुनो और वो खादी फिर जो है वो बेचो हाँ एक और चीज है ये चीज अभी मोदी जी ने भी बहुत ज्यादा फोकस करी है बोले आप अपन कपड़े देते हैं ना किसी को जैसा किसी का बर्थडे है तो कपड़े देते हैं तो बोले आप अगर कपड़े देना है तो खादी ग्रामोद्योग एक सरकार ने एक वो चला के रखा है मुहिम जैसी खादी ग्रामोद्योग एक संगठन है पूरे देश में चलते हैं उसके बहुत सारे जो है आउटलेट खुले हुए हैं वो आउटलेट पर आप जाओगे तो वहां पर जो भी कपड़े या फिर घर की चीजें मिलेंगी वो सब हाथ से निर्मित होंगी लोगों ने अपनी मेहनत से बनाई होगी तो उन्होंने आह्वान किया था लोगों से कि आप जो है अपने बर्थडे पर या किसी को गिफ्ट देते हैं तो खादी ग्रामोद्योग से जो है कपड़ा खरीद कर गिफ्ट दें और थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि वो हाथ से बनाया हुआ है वहां पर जो भी चीज़ मिलेंगी ना वहाँ पर हाथ से बनाई हुई मिलेंगी लेकिन डायरेक्ट वो प्रॉफिट किसके पास जाता है बनाने वाले के पास जाता है तो नॉर्मली अपनी व्यवस्था क्या होती है जो बनाता है वो थोक वाले को बेचता है थोक बुनकर फुटकर को बेचता है फुटकर के बाद हमारे पास ही जाती है तो वो एक बंदा जो है वो मेन जो बंदा बनाता है उसका प्रॉफिट कम हो जाता है खादी राम उद्योग जो है वो देसी को बढ़ावा देने के लिए देसी बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए डायरेक्ट जो है वो उद्योग होता है हाँ थोड़ा सा महंगा रहता है मैंने बताया क्योंकि मशीनों से नहीं बन रहा होता है वो हाथ से एक बंदा बना रहा होता है इलेक्ट्रिक करकों से बन सकता है लेकिन उससे जो है वो डायरेक्ट उसको फ़ायदा मिलता है ज़्यादा फ़ायदा होता है उसको बाकी मॉल वगैरह में जाते हैं तो उनका प्रॉफिट फिर कम हो जाता है आ, हमारे लिए अधिक मात्रा में धागे के निरा के अपेक्षा अपने बुनाई क्षेत्र को सुधारना क्यों आवश्यक जाहिर सी बात है ना आंसर यही लिखा हुआ है आठ सौ रुपए में पैंट बिक रहा है तो रुपए में धागा क्यों बेचेंगे हम यद्यपि लंबे रेशे के बाली कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई तथापि इसके आयात करने की दर तो ये हमारे कुछ कारखाने हैं सूती वस्त्र उद्योग ऊनी वस्त्र उद्योग रेशम तो आ, सूती वस्त्र उद्योग के मामले में भाई सूरत का बड़ा नाम है यहाँ पर दिख भी रहा है सूरत वडोदरा अहमदाबाद अपने यहाँ से बहुत सारी चीज लोग जो है वो कपड़े खरीदने के लिए यहाँ जाते हैं गुजरात गुजरात कर, कपड़ों का बहुत फेमस मार्केट बन गया है है ना आ, बाकी जो अपनी उन्हीं और रेशम है तो वाराणसी की रेशमी साड़ी आपने सुनी होगी वाराणसी जो है सिल्क की साड़ियों के लिए बड़ा फेमस है बनारसी साड़ी जिसको बोलते हैं तो बनारसी साड़ी जो है वो सिल्क की होती है इसलिए सिल्क का यहाँ पर दिख रहा है आपको क्यों मैं नाम ले ले रहा हूँ ये फेमस फेमस क्योंकि मैप में पूछे जा सकते हैं आपसे कहाँ वाराणसी पूछा जा सकता है कहाँ पर है तो अंदाजे से आपको जो है वो यूपी के बाहर इधर कोने पर लगाना पड़ेगा उसको तो पता होना चाहिए बाकी भी हैं स्टडी कर सकते हो आप पटसन उद्योग जूट उद्योग सुनहरा रशा है ना तो भारत में पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिशरा में 1855 में लगाया गया आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा है अठारह सौ पचास के आसपास ही बहुत सारी चीजें भाई तिरपन में वो चौवन में वो पचपन में पर्सन है ना तिरपन में रेलवे फिर उसके बाद चौवन में अभी देखा सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना और अभी जो है ये पर्सन उद्योग में अठारह में जूट का जो है कारखाना लगाया गया मतलब उद्योग लगाया गया उन्नीस में देश के विभाजन के बाद पर्सन उद्योग मिले तो भारत में रह गई लेकिन तीन चढ़ाए जूट उत्पादक पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश में चला गया अभी सबसे ज्यादा उत्पादन यही देश कर रहा है बांग्लादेश क्योंकि उन्नीस के पहले वो भारत में था तो भारत सबसे बड़ा देश था दुनिया में जूट उत्पादक के रंग लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान बढ़ गया पाकिस्तान में चला गया वो तो जूट जो है अभी पाकिस्तान सब बांग्लादेश में सबसे ज्यादा उगाया जा रहा है पूर्वी पाकिस्तान था जो उन्नीस गत, में फिर वो बांग्लादेश बन गया बड़ा अच्छा इतिहास है वो भी तो पर्सन उद्योग जो है वो बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा सबसे बड़ा निर्यातक भी है अपने यहाँ से जूट बहुत ज़्यादा तो रस्सी बनाई जाती है बोरियां भी बनाई जाते हैं। हुगली नदी पर है हुगली नदी कहाँ पश्चिम बंगाल में है हुगली नदी के टाइट पर जो है वो पटसन का उद्योग पूरी तरह से पानी चाहिए उसको पूरी की पूरी पानी में फसल पानी में फसल होती है उसका उसको निकालते हैं सुखाते हैं और फिर रेशो के फॉर्म में जो है निर्यात कर देते हैं कहाँ कहाँ भेजते हैं वहां लिखा हुआ है भारत का दूसरा स्थान है ये याद रखिएगा चीनी उद्योग भारत चीनी उत्पादन विश्व में दूसरा स्थान है लेकिन गुड़ और खंडकारी के रूप में इसका प्रथम स्थान है तो तो भाई गुड़ गुड़ और खांड सारी, तो समझते हो ये होंडसारी क्या है कोई बताएगा खांड सारी क्या है आप लोगों ने घरों में दूसरे नाम से जानते होंगे इसको अः खांडसारी जो है वो गुड़ का भूरा समझते हो ना भूरा भूरी शक्कर या गुड़ का भूरा उसको खांडसारी बोलते हैं भूरा बहुत बहुत फेमस होगा अगर नहीं पता होगा आप मम्मी पापा से पूछिएगा गुड़ का भूरा क्या होता है शक्कर का भूरा क्या होता है तो वो आपको बताएंगे वो खांडसारी कहलाता है एक्चुअली में वो कुछ नहीं है जैसे गुड़ का भूरा गुड़ ही रहता है बस पाउडर के फॉर्म में रहता है और वो शक्कर नहीं बन पाया है है ना और शक्कर का भूरा भी ऐसे रहता है बस वो शक्कर के क्रिस्टल के रूप में नहीं रहता है, आ, आ, इवनली वो ऐसे ही रहता है रफ शक्कर जैसी रहती है तो उसको खांडसारी बोलते हैं तो यद्यपि भारत का चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है लेकिन गुड़ और खांडसारी के उत्पादन में भारत जो है प्रथम स्थान पर आता है इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोश की मात्रा घट जाती है चीनी मेले उत्तर प्रदेश बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु समय चीनी मिलों का साठ प्रतिशत उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है तो सबसे ज्यादा बिहार और उत्तर प्रदेश में है मौसमी अथा सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है पिछले कुछ वर्षों में इस मिलों की संख्या में तो मैं बस अभी तक यही छोड़ रहा हूँ इसकी चुनौतियां क्या है अकाल्पनिक होना पुरानी अक्षम तकनीकों का इस्तेमाल करना परिवहन परिवहनों में ना पहुंचना बड़े ही परेशान होते हैं किसान बड़े बहुत आप देख जब भी देखोगे गन्ने का मौसम खत्म होगा गन्ना किसान जो है उसके बारे में न्यूज में पक्के में आएगा उसके बाद आता है लोहा और इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग है पहले से ही पता है आपको बहुत जरूरी उद्योग है हर जगह इंजीनियरिंग हो निर्माण सामग्री हो रक्षा हो चिकित्सा हो टेलीफोन हो सब जगह इसका यूज है कहाँ नहीं है भाई लोहा और इस बात का यूज आप अगर अभी भी घर पे बैठे होगे तो पलंग पे हो गए अगर लोहे का स्टील का पलंग हो सकता है टेबल होगी तो उसमें स्टील का कोई ना कोई पार्ट होगा चेयर होगी तो उसमें कील तो लगी ही होगी कम से कम अगर लकड़ी की भी है तो है ना प्लास्टिक की है तो फिर बात अलग है घर में देखोगे तो आसपास इस्पात दिख ही जाएगा है ना तो इस्पात बिना उसके तो पॉसिबल ही नहीं है इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है सोचो स्टील उत्पादन कितना जरूरी है कि किसी देश का विकास में उसका आ, योगदान है और अपना भारत के बारे में यहाँ पर एक टेबल दी हुई है कि इस्पात उत्पादन कैसे बढ़ा है मीट्रिक टन में 2012 में इक्यासी था फिर सत्तासी हुआ 2014 में आते आते बानवे हो गया लेकिन 14 के बाद इक्यानवे हुआ फिर एक एक हो गया मतलब हाईएस्ट चला गया और सत्रह अठारह में छियासी पे आ गया थोड़ा सा कम आ गया ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है मालूम क्योंकि ये डिपेंड करता है भारत में कुल इस्पात उत्पादन सरकार के चेंज होने पर बहुत हद तक निर्भर करता है सरकार के डिसीजन जो है इस पर बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं टैक्स वगैरह पे भी है ना क्योंकि जितनी ज्यादा मार्केट में डिमांड रहती है ये उतना ही ज्यादा बनाते हैं स्टील और अगर हम मार्केट में डिमांड ही नहीं है और हम बना रहे हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है बहुत सारे अभी कोरोना काल में भी इसकी डिमांड एकदम से कम हुई होगी फिर बड़ी भी होगी बहुत ज्यादा बहुत सारी चीजें मायने रखती है अभी छियासी पर है इस साल का पता नहीं अभी क्या हुआ है हाँ तो दो हजार अठारह में एक सौ छह मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादन में दूसरे स्थान पर था पहले पे कौन होगा अंदाजा लगा सकते हो चीन ही है सबसे ज्यादा सस्ता इस्पात दुनिया में अभी कोई प्रोवाइड कर रहा है तो चीन ही है और सबसे ज्यादा उत्पाद वही कर रहा है सेकेंड नंबर पे भारत आता है इस्पात के निर्माण में और उसमें जमशेद जी टाटा का जो प्लांट है पावर प्लांट जो स्टील प्लांट है बहुत ज्यादा फेमस है यह स्पॉन्ज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है अभी स्पंज लोहा क्या होता है नर्म लोहा बोल सकते हो हाँ इसको बताऊंगा फिर से टाइम लग जाएगा इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी यहाँ प्रतिवर्ष खपत केवल सत्तर किलोग्राम थी जबकि इसका विश्व में प्रति व्यक्ति खपत दो सौ चौबीस किलोग्राम थी इस समय भारत में दस मुख्य संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र हैं दस मुख्य संकलित उद्योग हैं और बहुत से छोटे इस्पात इस्पात संयंत्र हैं इस्पात निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है कैसे इस्पात बनता है तो कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन लोह का गलाया जाना झोला भट्टी ढलवा लोहा इस्पात बनाना धातु को आकार देना सिंपल सी प्रोसेस है अगर थोड़ा सा टाइम होता तो मैं बताता वीडियो में आप यूट्यूब पर देख सकते हो वीडियो इस बात कैसा बनाया जाता है मैं अभी जस्ट ग्र गूगल से आपके ग्रुप पर पेश कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि स्टील कैसे बनता है क्योंकि बड़ा वीडियो होगा आप देखते से समझ जाओगे कि कहाँ कहाँ जलिए ले करके देख लेना यहाँ पर हमारे स्टील पावर प्लांट बने हुए हैं भाव लोहा और इस्पात संयंत्र स्टील पावर प्लांट कहाँ पर है तो ये दिख रहा है जमशेदपुर आपको बड़ा फेमस नाम है झारखंड में उसके बाद बोकारो झारखंड में है पश्चिम बंगाल में बर्नपुर और दुर्गापुर है राहुल उड़ीसा में है भिलाई बहुत फेमस है छत्तीसगढ़ में क्योंकि पहले मध्य प्रदेश में था विजयनगर जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है कर्नाटक में भद्रावती दिख रहा है तमिलनाडु में सेलम दिख रहा है आंध्रा में विशाखापट्टनम दिख रहा है है ना तो ये बड़े फेमस नाम है आपको पता तो होना चाहिए चलो मिनी इस्पात उद्योग छोटे विद्युत है हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने स्टील को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं जितनी भी पब्लिक कंपनी है ना वो एक संगठन बना लिया उन्होंने भाई हम बेचेंगे तो सेल के माध्यम से बेचेंगे सेल एक कंपनी बना तो उससे क्या होता है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में तो मदद मिलती है प्राइस सस्ता कम एक जैसा रखा रहता है ना तो यूनिटी बनी रहती है और अपन ऐसा ना हो कि भाई अपनी एक कंपनी जो है वो मतलब आपको मालूम है ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टील का विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो जैसे मान लो अपने कंपनी आपस में झगड़ने लगेंगी ना तो चाइना उसमें फ़ायदा उठा लेगा तो जैसे मान लो उदाहरण के लिए एक मेरी कंपनी और एक जो है वो अनिकेत की कंपनी है स्टील की और हम भारत में उत्पादन कर रहे हैं तो मैं जो है वो मान लो उदाहरण के लिए सौ रुपये किलो जो है लोहा बेच रहा हूँ और अनिकेत जो है वो देख रहा है यार ये अस्सी में तो मैं बना ले रहा हूँ मैं प्रॉफिट भी कमाऊँ तो अभी इसको गिराने के लिए मैं नब्बे में बेच देता हूँ तो आपस में हम दोनों प्राइस जैसे वो नब्बे में बेचेगा तो मुझे भी अपनी कीमत कम करना पड़ेगी क्योंकि मार्केट में खरीद नहीं पाएगा कोई इसका फ़ायदा कौन उठाएगा चीन उठाएगा आपस में लड़ते रहेंगे तो अपने यहाँ की ज़्यादातर कंपनियां क्या करती हैं सेल को बेच देती हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भेज देती है जिसके कारण से क्या हो जाता है यूनिटी बनी रहती है एकता बनी रहती है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में 1950 के दशक में भारत चीन ने लगभग एक समान मात्रा में स्थापित किया था आज चीन इस बात का सबसे बड़ा उत्पादक है इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन ही है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप हो रहा है चीन में भारत के छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग केंद्रित है छोटा नागपुर बता चुका हूँ मैं पहले कहाँ पर है उसके बाद ये काय का ग्राफ दिया हुआ है भारत और चीन में कच्चा इस्पात उत्पादन कब से 2014 से है ओ। लग रहा है ना दिख रहा है ना ये जो लाल कलर का चाइना दिख रहा है आपको दिख रहा है इंडिया के मुकाबले चीन में कितना भयंकर स्टील उत्पादन हो रहा है कच्चे स्टील का उत्पादन का उत्पादन हम कहीं भी नाइन में नहीं है हमसे आठ गुना ज्यादा उत्पादित कर रहा है वो एरिया भी तो है उसके पास एल्यूमिनियम प्रगलन एल्युमिनियम प्रगलन मतलब कि एल्यूमिनियम से एल्युनियम को गला कर शीट बनाना बहुत सारी जगह पर यूज होता है एल्यूमिनियम अभी हमारे घरों में गेट वगैरह में भी बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया जा रहा है तो यहाँ पर बाक्साइड आपको मालूम है अयस्क है बाक्साइड से जो है वो एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है एल्यूमिनियम से एल्यूमिनिया से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है चार से छ टन बाक्साइड अयस्क होगा उससे दो टन एल्यूमिनियम मिलेगा और एक टन एलुमिनियम निकलेगा अशुद्धियाँ कम होती जा रही हैं इसमें बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ फिर कम अशुद्धियाँ और फिर उसके बाद एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम शुद्ध रहेगा अशुद्धियाँ नहीं रहेंगी यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे एल्युमिनियम उद्योग में एल्यूमिनियम बनाया जाता है पहले बॉक्साइड निकाला कच्चे माल के रूप में उसका खनन किया परिवहन करके दूसरी जगह पर ले गए शोधशाला शोध मतलब कि जो उसका प्रक्रम वो होगा विद्युत विद्रटन करवाते हैं एल्यूमिनियम का वो जो है वो अः उसके बाद क्या होता है पगला किस स्तर तक भारी ऐस का पहुंचना शोधशाला से कैल्शियम पेट्रोलियम कोयला खान से पिच ये सब चीजें प्रोसेस हैं आ, मेरे को नहीं लगता कि एल्यूमिनियम प्रवलन कैसे किया जाता है वो पूछा जाएगा पॉसिबल नहीं है इतना डीप में ये पूछना लेकिन हाँ एल्यूमिनियम उद्योग के सामने क्या चुनौतियां हैं वो पूछी जा सकती है देखो नियमित ऊर्जा की पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चितता उपलब्ध एल्यूमिनियम उद्योग की क्या परेशानी है वो पूछी जा सकती है ऐसे ही आ, लोहे उद्योग की भी क्या चुनौतियां हैं वो पूछी जा सकती हैं जैसे आ, निजी स्वयं प्राप्त उदयकरण प्रत्यक्ष निवेश में प्रोत्साहन मिला आदि ये देखो उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित तो उपलब्धता कम श्रमिक उत्पादकता ऊर्जा की अनियमित पूर्ति अविकसित अवसंरचना ये सब चुनौतियां हैं किसके सामने स्टील के उद्योग के सामने तो ये चुनौतियां पूछी जा सकती हैं कि इस उद्योग के सामने क्या चुनौती हैं बताइए उसके बाद रसायन उद्योग जो है वो केमिकल उद्योग होते हैं चैप्टर इतनी आसानी से नहीं होगा अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा एक दिन और लग जाएगा इसको कंप्लीट होने में मुझे थोड़ा सा आज फिर काम है एक क्लास हो रही मुझे मालूम है कल भी एक हो पाई थी लेकिन आज थोड़ा सा लेट भी हो गया मैंने सोचा था जल्दी क्लास लूंगा लेकिन काम ऐसा आ गया कि लेट हो ही गया तो आठ पचास हो गए अगर अगली क्लास में लगाऊंगा अभी तो साढ़े नौ बज जाएंगे इसलिए आज की क्लास में यहीं रोक रहा हूँ मुझे मालूम है इंग्लिश के क्वेश्चन भी बाकी हैं लेकिन दूसरा सेशन लग ही नहीं पाया मैं कोई दिक्कत नहीं है कल कर, कर लूँगा अभी तो टाइम है भाई थोड़ा सा टाइम है अपन कर सकते हैं इतना ज़्यादा टाइम कम नहीं है ठीक है तो आज की क्लास यहीं रोक रहा हूँ और एक और चीज़ बता दूं मैं कल सुबह तो क्लास रहेगी शाम को क्लास कल नहीं हो पाएगी क्योंकि तो मेरी मम्मी के बर्थडे है कल तो कल थोड़ा सा फैमिली के ता, साथ टाइम स्पेंड करूंगा मैं आ, है ना तो कल शाम को क्लास नहीं हो पाएगी तो अनफॉर्चुनेटली अब क्लास सैटरडे को होगी पिकनिक पर डिपेंड करता है कब कर आते हैं वहाँ से ठीक है आज के लिए इतना ही रखते हैं उद्योग के बारे में आज इम्पोर्टेंट चीजें सीखी हैं आधारभूत उद्योग क्या होते हैं कच्चे माल आधारित उद्योग क्या होते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योग क्या होते हैं और वो लिखना भी है अपन को याद भी रखना है उसको आज के लिए इतना ही रखते हैं अगली क्लास में फिर से मिलेंगे बाय गुड नाइट जय भैया